नमस्ते। अधुना संस्कृत कालांशः अष्टमी कक्षाया प्रारभ्यते। गुजरात तृतीयो भाग प्रथम पाठ सुभाषितानि सुभाषितम् सुभाषिते सुभाषितानि बहुवचनस्य रूपमस्ति। प्रिय विद्यार्थियों, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वदम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। प्रथमा श्लोक गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणियों के साथ रहने पर गुणा भवन्ति गुण ही रहते हैं। अर्थात कोई गुणवान व्यक्ति गुणवान व्यक्तियों के साथ रहता है तो उसके गुणों में ही वृद्धि होती है। अच्छे लोगों के साथ रहने पर अच्छाई निरंतर बढ़ती रहती है। वे ही गुणवान व्यक्ति ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण गुणों से रहित दोष वाले व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोषाहा भवन्ति, वे गुण दोष में बदल जाते हैं। अर्थात कोई अच्छा व्यक्ति यदि गुणहीन दोषी व्यक्ति के साथ रहता है तो उसमें दोष आ जाते हैं। इसका भाव यह है कि सत्संगति में साथ रहने से गुणों की वृद्धि होती है और कुसंगति में आ जाने पर गुणों के स्थान पर दोष आ जाते हैं। जैसे सुस्वादु तो यह नद्यः, सुस्वादु सुंदर मधुर स्वाद वाला तो यह जल से परिपूर्ण नदियां जिनका पानी मिठास से परिपूर्ण है, ऐसी नदियों का पानी समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर अपेयः भवन्ति अपेय हो जाता है। जो नदियों का मीठा जल पहाड़ों से जब निकलता है तो उसमें मधुरता रहती है, मिठास रहती है, वही मीठा जल समुद्र में पहुंच करके खारा हो जाता है। संस्कृत प्रश्नोत्तराणी के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा केषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, दो निर्गुणम के भवन्ति, निर्गुणम दोषा भवन्ति, दोषा कदा किं प्राप्य दोषा भवन्ति, दोषा निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, नद्यः कीदृशः प्रभवन्ति, नद्यः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति, नद्यः कम आसाद्य सुस्वादुतोया अपेया भवन्ति, नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। संधि विच्छेद भवन्ति प्लस अपेयः, पेयः पीने योग्य, अपेयः न पीने योग्य। धन्यवादः। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन तृणन्न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयम् परमं पशूनाम्। जो मनुष्य अपने जीवन में साहित्य संगीत कला से विहीन रहित है, अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में न साहित्य है, अच्छे साहित्य की पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है, संगीत और कला इन तीनों गुणों से जो रहित है, कभी कहते हैं साक्षात पशु, वह तो साक्षात पशु है,
और कैसा पशु है? पूछ विषाण हीन, जिसके पूछ नहीं है और सिंह नहीं है। ऐसे पशु के समान है जो पशु पूछ और सिंह से रहित है। तृणं न खादन अपि जीव मानः, वह तृणम घास न खाता हुआ भी जीवित रहता हुआ पशुनाम परमं भागदेयम्, वह पशुओं में परम भाग्यशाली है। पर इसलिए कवि ने यह समझाया कि मनुष्य के जीवन में ये तीन गुण बड़े विशिष्ट हैं। साहित्य, संगीत और कला की आराधना करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। संस्कृत प्रश्नोत्तराणी, कीदृशः पशु भवति, पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशु भवति, साहित्य संगीत कला विहीनः कहा भवति, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु भवति, साहित्य संगीत कला विहीनः कीदृशः पशु भवति, साहित्य संगीत कला विहीनः पुच्छ विषाणहीनः पशु भवति। पशुः किं न खादन्नपि जीवमानः, पशुः तृणं न खादन्नपि जीवमानः भवति, केषां तद्भागदेयं परमं, पशूनां तद्भागदेयं परमं भवति। लोब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नश्च क्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लोब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश समाप्त हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, पिशुन चुगली करने वाले की मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति, जो आलसी है, जो कार्य नहीं करता है समय पर, ऐसे व्यक्ति का कुल परिवार समाप्त हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः, जो धन का दास है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्या फलम नश्यति, बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्या का फल समाप्त हो जाता है। कृपण से सौख्यम नश्यति, कृपण कंजूस व्यक्ति की मित्रता समाप्त हो जाती है। नराधिपस्य प्रमत्त सचिवस्य राज्यम नश्यति, नराधिपस्य नर अधिपस्य, नराधिप मन राजा के, प्रमत्त आलसी सचिव का राज्य समाप्त हो जाता है। संस्कृत प्रश्नोत्तराणि, कस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य किं नश्यति, लुब्धस्य यशः नश्यति, कस्य मैत्री नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, पिशुनस्य का नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, कस्य कुलं नश्यति, नश्च क्रियस्य कुलं नश्यति, कस्य धर्मः नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, अर्थपरस्य कः नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, कस्य विद्याफलं नश्यति, व्यसनिनः विद्याफलं नश्यति, व्यसनिनः किं नश्यति, व्यसनिनः विद्याफलं नश्यति, कस्य सौख्यं नश्यति, कृपणस्य सौख्यं नश्यति, कृपणस्य किं नश्यति, कृपणस्य सौख्यं नश्यति, कस्य प्रमत्त सचिवस्य राज्यं नश्यति, नराधिपस्य प्रमत्त सचिवस्य राज्यं नश्यति, प्रमत्त सचिवस्य किं नश्यति, प्रमत्त सचिवस्य राज्यं नश्यति। इस तरह प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में बहुत से दिव्य गुणों की चर्चा है। इन गुणों को हम जीवन में धारण कर सकते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेद् मधुमक्षिकासौ, संतस्ततैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचा मधुरसोक्तरसं सृजन्ति। मधुमक्षिका, मधुमक्खी, असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी
कटुकम मधुरम समानम रसम पीत्वा, कटुकम कड़वे मधुरम मीठे समानम रसम समान रूप से रस को पी करके माधुर्यमेव जनयेत, माधुर्यम मधुर रस को ही जनयेत उत्पन्न करे। अर्थात मधुमक्खी उड़ती हुई नीम के पेड़ पर जाती है, वहां से कड़वे रस को पान करती है, फिर वही मधुमक्खी उस पर जाती है, फूलों पर जाती है और वहां से फूलों से मधुर रस को समान रूप से लेती है, फिर कड़वे और मीठे रस को दोनों को पी करके ही माधुर्य मधुर रस को उत्पन्न करती है। अर्थात यह मधुमक्खी नीम के कड़वे रस को भी मधुरता में बदल देती है। इसी प्रकार संसार में जो संतः सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, वे व्यक्ति सज्जन दुर्जनानाम सम, सज्जन और दुर्जनों की समहा वचा श्रुत्वा, ऐसे सज्जन और दुर्जनों की वाणी को सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजंती, मीठे वचनों को के रस को ही उत्पन्न करते हैं। सज्जन व्यक्ति के सामने कोई अच्छी वाणी सुनने के लिए मिले या दुर्जनों के कठोर वचन सुनने के लिए मिले तो उन दुर्जनों की कड़वी वाणी को भी सज्जन व्यक्ति मधुरता में बदल देते हैं। जैसे मधुमक्खी नीम के कड़वे रस को भी मधुरता में बदल देती है। संस्कृत प्रश्नोत्तराणी का रसम का माधुर्यम जनयेत, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्षिका कीदृशम रसम पीत्वा माधुर्यम जनयेत, मधुमक्षिका कटुकम मधुरम रसम पीत्वा माधुर्यम जनयेत, संतः केशाम वचा श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, संतः सज्जन दुर्जनानाम वचा श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, के मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, संतः किम श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, संतः वचा मधुर सूक्त श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। यह माने जो मनुष्य ही निश्चय से पौरुषम विहाय पुरुषार्थ को छोड़कर के दैवम एव अवलंबते, दैव अर्थात भाग्य के सहारे ही रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ छोड़ करके भाग्य के सहारे ही जीवन यापन करता है, तस्य उसके मूर्धनि सिर पर प्रासाद सिंहवत वायसा तिष्ठन्ति, जैसे कोई प्रासाद महल पर सिंह की आकृति है और उस पर वायसा कौए तिष्ठन्ति बैठ जाते हैं, ऐसे ही जीवन में पुरुषार्थ छोड़ करके जो भाग्य के भरोसे रहता है वह जीवन में हमेशा सुख प्राप्त नहीं करता, अर्थात उसके कार्य जीवन में सिद्ध नहीं होते। इसलिए कवि यह कहना चाह रहे हैं, कभी भी भाग्य के अधीन न रह करके हमेशा पुरुषार्थ में ही व्यक्ति को आगे रहना चाहिए। संस्कृत प्रश्नोत्तरम, किम विहाय यह देव अवलंबते, पौरुषम विहाय यह देव अवलंबते, यह किम अवलंबते यह देवम एव अवलंबते, कस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति, तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति, वायसा कुत्र तिष्ठन्ति, वार्ना वायसा मूर्धनि तिष्ठन्ति, मूर्धनि के तिष्ठन्ति, मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति, पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल कलदारुभिः धन्या महिरुहा एषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। इस श्लोक में वृक्षों की महिमा का वर्णन है। महिरुहा वृक्षः
महीरुआ अर्थात वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, वो क्यों धन्य हैं। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल जड़, वलकल छाल, दारुहि लकड़ी के द्वारा ये मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो वृक्ष में फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ी के द्वारा, इतने वरदानों के द्वारा मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करते हैं, इसलिए ये पेड़ धन्य है। येषाम इन पेड़ों के विमुखम अर्थना न अर्थना याचक अर्थना विमुखम न यान्ति, याचक कभी भी विमुख होकर नहीं जाते। कोई भी किसी प्रकार की याचना लेकर के जाता है, उसकी याचना ले गया तो फूल मिल जाते हैं, कोई पत्ते की याचना, फल छाया और जड़ या छाल या लकड़ी, जो जो याचना लेके जाते हैं याचक लोग, उनकी याचनाएं वृक्ष पूरा करते हैं। संस्कृत प्रश्नोत्तराणी। मयूरहा कई धन्यहा पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल धारु भी मयूरहा धन्या संति। के धन्या संति मयूरहा धन्या संति। के विमुखम न यान्ति अर्थिनः विमुखम न यान्ति, अर्थिनः किम न यान्ति अर्थिनः विमुखम न यान्ति। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृहे। कवि समझा रहे हैं विपदाम आदौ एव, विपत्ति के आने से पहले ही, प्रारंभ में ही प्रतिक्रिया चिंतनीया, उसकी प्रतिक्रिया के विषय में विचार करना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही हम उसके क्या क्या उपाय हैं, उन उपायों पर हमें चिंतन करना चाहिए। जैसे वन्यना गृहे प्रदीप्ते सति, अग्नि के द्वारा घर में आग लग जाने पर कूप खननम न युक्तम, कुआ खोदना उपयुक्त नहीं है। किसी व्यक्ति के घर में आग लग जाए और फिर वह आग बुझाने के लिए कुआ खोदे और फिर विचार करे कुएं के जल निकालूंगा फिर मैं अपने घर की आग बुझाऊंगा, तब तक तो घर जल करके भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी विपत्ति के आने से पहले ही उसके बचने के उपायों पर हमें चिंतन कर लेना चाहिए। इसलिए जीवन में हर आपत्ति का, हर विपत्ति का उपाय और प्रबंध करने की यहाँ शिक्षा दी गई है। छात्रों को भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी है तो उसकी तैयारी पहले ही करने की प्रेरणा यहाँ दी गई है। धन्यवाद।